अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। प्रेम बंधन। तूने इस काम पे भरोसे के लोगों को तो लगा रखा है ना? अब चिंता मत करो माँ, बहुत बड़े सही लोग चुन के काम पे लगाए मैंने। मेरे होते हुए तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हाँ हाँ, घर छोड़कर चला गया। अब अपनी बेगुनाही साबित किए बिना उस घर में जाने की इजाजत ही नहीं देता। शिखर प्लीज हमें फोर्स मत करो, कुछ देर के लिए दरभंगा चले जाएंगे, अपने पापा के पास हम सबसे दूर रहना चाहते हैं बस। फिर से जान की बच गई। अरे मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, कौन सी घड़ी में भगवान ने इसकी किस्मत देखी थी कि बार बार मौत को चकमा दे देती है। सब कुछ अच्छी तरह प्लान किया था मां, पता नहीं क्या हो गया फिर से। राजेश जो हुआ सो हुआ, उसकी फिक्र छोड़, तो हम जानकी के बारे में सोच भी क्यों रहे? हाँ वो चली गई राजेश, खुद अपने से चली गई, हट गई हमारे रास्ते से। वो देखो जो हमारे सामने है, एक शानदार मौका। मौका हर्ष हॉस्पिटल में, और उसके साथ सिर्फ श्वेता और रूही है। श्वेता तो हमारे साथ है और रूही बच्ची है बेचारी, श्वेता उसको अकेले हैंडल कर लेगी। राजेश इस शानदार मौके को हमें हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, जो भी करना है जल्दी करो। अब इस वक्त हर्ष को जिंदा छोड़ना मतलब बेवकूफी होगी, जब सब कुछ हमारे पक्ष में पड़ रहा है। इस बार तो वो जानकी भी नहीं है हर्ष को बचाने के लिए, अब तो समझ लो वो गया। पता नहीं जानकी कहां रह गई, क्या करें, निशा के पापा को क्या बताएंगे हम। नितिन बेटा का फोन, इससे पूछते हैं जानकी के बारे में। हाँ। हेलो माँ, नमस्ते, कैसे हैं आप और पापा कैसे हैं? नमस्ते बेटा, नमस्ते। पापा ठीक हैं, गांव से आने वाले हैं, कैसे हो तुम? ठीक हूँ माँ, और सब ठीक है माँ। अच्छा एक बात बताओ बेटा, जानकी से तुम्हारी कोई बात हुई है क्या? नहीं माँ, हमारी तो बात नहीं हुई, क्या हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे ही पूछ रहे थे। अच्छा नितिन बेटा, शायद हमारी सहेली लोग आ गई हैं। आज हमारे घर में किट्टी पार्टी है, हम रखे हैं। एक सेकंड। लाइए, मुझे मेरा पैसा दीजिए। अरे कहाँ घुसे जा रहे हैं आप लोग, हम बैठ के बात करते हैं ना। मुझे मेरा पैसा अभी का अभी चाहिए, बने जो सामान खरीद के रखा है ना मेरे पैसों का, सब उठा के ले जाऊंगा। कच्चा बोल रहे हैं कि पैसा दे देंगे, अपनी बेटी से कह के सारा नगद पैसा वापस करेंगे, लेकिन नहीं, पैसा लेके भागे नहीं जा रहे हैं। अरे बिजी है, फोन नहीं उठा रही है, फोन करेंगे हम आपको, फोन करेंगे, आ जाइएगा पैसा लेने। ओ आशा जी बंद करी अपना पचड़ पचड़, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है तुम्हारी इन सब बकवास बातों का। और तुम देख क्या रहे हो, उठाओ सामान। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग, हम अपनी बेटी से शिकायत करवा देंगे आपकी, हमारा पहुंच बहुत ऊपर तक है, आप जानते नहीं हमको। ये शिकायत करने का धमकी है ना, हमें मत देना, और अपने पैसे लेकर आना, सामान लेकर जाना, समझे? क्या कर रहे हैं, एक बात करते हैं ना, बेटी से भी बात करवाते हैं। कौन है आप लोग? जानकी देखो ना, ये लोग घर लूट कर लेकर जा रहे हैं। हम तुमको कब से फोन लगा रहे, तुम फोन ही नहीं उठाए। ऐसा कुछ मत कीजिए, देखिए हमको अपने आप को बेचना भी पड़ा ना, तो बेच के पैसा वापस करेंगे, लेकिन कर देंगे सब पैसा वापस। वैसे तुम्हें बेच के क्या मिलेगा? पर इसे बेच के अच्छे पैसे मिल सकते हैं। तुम्हें ले जाता हूं, तुम्हें बेच के अपना पैसा वसूल करूंगा। एक कदम आगे बढ़ाना, एक कदम आगे बढ़ाना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जानकी
उठाओ इसे। मेरी बात तो सुनिए। चुपचाप अंदर बैठो नहीं तो। भगवान, नितिन को और निशा के पापा को क्या कहेंगे हम? भगवान भगवान जी मदद करिए। अगुण रूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हे भगवान, मेरी जानकी का इतना बड़ा तिरस्कार, इतना बड़ा अपमान, उसे घर से निकाल के जेल में डाल दिया। बेचारी जानकी अपने नाम की तरह सीता मैया हो गई। हे भगवान, मेरे घर वालों ने जो कुछ भी जानकी के साथ किया है उसकी सजा मुझे देना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। भगवान, मेरी जानकी को वापस लेके आ जाओ भगवान, वरना मैं कसम खाती हूं कि जब तक वो वापस नहीं आ जाएगी मैं अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगी। शिखर, ये कैसा वचन ले लिया शिखर दादी ने? उनकी तबीयत वैसी खराब रहती है, अब अगर अन्न भी छोड़ देंगी तो उनकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। हुआ क्या है इस घर के लोगों को? जानकी भाभी को जेल भेजने की क्या सूरत थी? यहाँ इन लोगों ने जानकी भाभी को जेल भेज दिया और वहाँ हर्ष भाई है जिनको ये याद ही नहीं कि जानकी भाभी थी क्या उनके लिए। मैं जानकी को कॉल करके देखती हूँ, वो मेरा फोन जरूर उठाएगी। जानकी फोन नहीं उठा रही है। आपको क्या लगता है भाभी, जानकी भाभी हमारा फोन उठाएंगी, हमसे बात करेंगी? गुनाहगार है उनके भाभी, उन पे जो जुर्म हो रहा था ना हमारे घर में हमने देखा है और हम चुप रहे हैं। आप, मैं, दादी, हम सब भागीदार हैं उनके साथ जो हुआ है उसमें। वो हमसे कभी बात नहीं करेगी, शायद करनी भी नहीं चाहिए। शिखर, डॉक्टर ने उन्हें स्ट्रेस लेने के लिए मना किया है, लेकर दादी को कुछ हो गया ना तो हम सब जिम्मेदार होंगे। नहीं 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 भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप एक काम कीजिए, चाहिए आप खाना लगाइए, मैं दादी से बात करके आता हूँ, उन्हें खाना खिलाने की कोशिश करते हैं। प्लीज ऐसे मत रहो दादी। कैसा देवर है तू, अपनी भाभी को उसके मायके तक छोड़ने भी नहीं गया और पछता रहा है। कैसे जाता दादी, नाराज है हम सबसे जानकी भाभी, और उनका नाराज होना बनता भी है। पर दादी, मैं भगवान की कसम खा के बोलता हूँ, आपसे ये वादा करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सकेगा ऐसा कोई ना कोई उपाय निकालेंगे जिससे जानकी भाभी वापस घर आ सके। पर दादी, उससे पहले प्लीज खाना खा लो, आप बीमार हो जाओगे। बिल्कुल नहीं। अम्मा, शिखर भैया जानकी भाभी के भाई आए हैं, आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। हे भगवान, क्या होगा शिखर, तू जाओ उससे बात कर, मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगा। जाता हूं। भगवान, ले आओ उसे। क्या करें, हम लोग में कहां लेकर आए, हमारा हाथ छोड़िए। बैठाओ इसे कुर्सी पे। ज्यादा चिल्ला मत और ध्यान से मेरी बात सुन, तुझे सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है, वो है मेरा पैसा। जितनी जल्दी तेरी माँ मेरा पैसा लौटाएगी उतना जल्दी मैं तुझे छोड़ दूंगा, वरना कल किसी फाइव स्टार में किसी के बिस्तर पे होगी तू, और वहां से मैं अपना पैसा वसूल करूंगा। इसे समझ करना। चलो। ये क्या हो रहा है भगवान, प्लीज या अनर्थ होने से पहले कोई चमत्कार कीजिए, भेज दीजिए हर्षी को, हम ये सब सहन नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो अपनी जान दे देंगे, पर वो पाप नहीं करेंगे भगवान। सब कुछ हमारे लिए अच्छा हो रहा है,
वो जानकी तो आखिर यहाँ से चली ही गई, चली गई यहाँ से। और अब हवालात की हवा खाकर उसकी अकल तो ठिकाने आ ही जाएगी। हमको नहीं लगता कि वापस यहाँ इस घर में आने की वो हिम्मत भी करेगी। वहां वो श्वेता हॉस्पिटल में पड़ी है और बेचारा हर्ष उसकी सेवा में लगा हुआ है, लेकिन उसे क्या पता कि श्वेता का भी ऐसी जगह जाने का समय आ गया है जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकती। हर्ष बेटा, हम जानते थे बेटा कि तुम यहां से नहीं जाना चाहते थे, यही रहकर पता लगाना चाह रहे थे कि जानकी निर्दोष है या उसी ने सब कुछ किया है। लेकिन तुम चिंता मत करना बेटा, हम यहां हैं, हम इस बात का पता खुद लगा कर रहेंगे, ठीक है ना? मैं सच बताऊं तो मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा कि कौन सही है और कौन गलत, किस पर विश्वास करूं और किस पर नहीं। तुमको हम पर विश्वास है ना बेटा? हाँ, तुम ये सब टेंशन छोड़ दो और तुम बस श्वेता का ख्याल रखो, उसका अच्छे से इलाज करवाओ। मैं इसीलिए तो आपके कहने पर उसके साथ हूँ, उसके लिए ही सब कुछ कर रहा हूँ। डॉक्टर ने भी तो कहा था ना कि जल्द से जल्द श्वेता को हॉस्पिटल में एडमिट कर दो। देखा ना उसके हाथ कितनी बुरी तरह से चल रहे थे। हम इस बात का पता लगा कर रहेंगे बेटा कि उसकी मेहंदी में आखिर केमिकल किसने मिलाया। लेकिन तुम यहाँ का टेंशन छोड़ दो, तुम बस श्वेता का ख्याल रखो, उसका इलाज करवाओ और जल्द से जल्द उसको ठीक करके घर वापस ले आओ। यही तो हम चाहते हैं, श्वेता ठीक होकर हॉस्पिटल से बाहर आ जाए और हर्ष तुम बीमार होकर हॉस्पिटल के अंदर। बेचारा हर्ष कितना प्यार करता है अपनी माँ से। यही है वो जिसकी हमें सुपारी मिली है। जैसे ही अकेला हो, मौका देखकर इसका काम तमाम करना होगा। तू चिंता मत कर, इसको मारना तो बहुत आसान है। हम दो लोग हैं इसलिए इसका काम तो बहुत आसानी से खत्म कर देंगे। काम हो जाएगा, आप बस हमारा पैसा तैयार रखना। जैसे ये काम पूरा होगा, हमारा मकसद पूरा होगा और इस सब का इल्जाम आएगा जानकी पर, क्योंकि बात तो यही फैलेगी ना कि हर्ष ने जानकी को धोखा दिया और इसलिए जानकी ने गुस्से में आकर हर्ष को मरवा दिया। क्या लेने आए हो यहाँ? बाहर निकलो हमारे घर से। जानकी दी कहाँ है? अरे मुझे क्या पता तेरी बहन कहाँ है या नहीं। वैसे भी तुम जैसे लोगों का कोई भरोसा थोड़ी है, कहीं भी घुसे चले आते हैं। आप किस तमीज से बात करिए, वो हमारी बहन है, इस घर में रहते, इस घर की इस घर में रहती थी, अब नहीं है। अपनी बेशर्मी और बदतमीजी के पल पर इस घर में टिकी हुई थी जबरदस्ती, अब इस घर से चली गई है। और एक बात कान खोल के सुन ले, आज के बाद कभी इस घर में मिलेगी भी नहीं। क्या किया आपने हमारी बहन के साथ, और आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? चिल्ला मत मेरे घर में, तेरी बहन को घर से निकाल के बाहर फेंक दिया। बोल क्या कहा आपने? गंदे हाथ दूर रख मुझसे, दूर रहे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे गिरबान पे हाथ डालेंगे? और तुम बेशर्मों को शर्म नहीं आती है? पहले हम ही घर में अपनी बेटियों और बहनों को बेचते हो, उसके बाद चिंता का दिखावा करके हमारे घर में घुसने की कोशिश करते हो। तुम लोग छोड़ेंगे नहीं आपको, आपकी हिम्मत कैसे हुई सब कहने की? लेकिन क्या हाँ? अरे सर, राजेश भैया ने क्या कर रहे हैं? अरे यार राजेश,
बस इतना जानना चाहते कि हमारी थी कहाँ है। जानना चाहते तेरी बहन कहाँ है? एक काम कर बेटा, हवालात में जा, जा मेरे अपनी बहन के वहां। हवालात में? मतलब हमारी बहन छीन गई? हाँ। नितिन, राजेश भैया, स्टॉप इट, बंद करो ये सब। अरे क्या हो रहा है यहाँ पर? ये क्या तमाशा लगा के रखा है? ये हमारा घर है, राम शास्त्री का घर, क्या लेने आए हो यहाँ पर? देखिए, हम बस ये जानना चाहते हैं कि हमारी दीदी कहाँ है। हमें नहीं पता तुम्हारी दीदी कहाँ पर है, और हम ये जानना भी नहीं चाहते वो कहाँ पर है। हमारे लिए वो जिए या मरे, हमें कुछ लेना देना नहीं है। राजेश, इसे धक्के मार के निकालो यहां से। क्या क्या थी क्या हमारी थी इस घर के लिए? वादा करते हैं छोड़ेंगे नहीं किसी को। कोई है जो हमें बचा सकता है? कोई है? लेके जाओ और फेंको इसे। क्या क्या थी क्या हमारी थी इस घर के लिए? वादा करते हैं छोड़ेंगे नहीं किसी को। अरे ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम लोग? मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरे परिवार के लोग इतने गिरे हुए हो सकते हैं। जी, देख लेना, कुछ भी ठीक नहीं होगा इस घर में। बहुत बड़ा अनर्थ होगा। हे भगवान। प्लीज आकर अपनी गुड़िया को बचा लीजिए प्लीज। अब हमें बहुत घबराहट हो रही है, कैसे निकाले हमें से अपने सर से? कुछ दिख भी नहीं रहा है। अगर हमें हमारे पैसे वापस नहीं मिले तो उसे बेचकर वसूल करेंगे। बिल्कुल भैया, उसकी माँ बोली थी खुद को बेचकर पैसे चुकाएगी, अब बेचेंगे तो इसे ही। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। अब हम यहाँ से निकल पाएंगे। रुको, जरा चेक करके आता हूँ। ए सुन, मैं भी चलता हूँ। सब धुंधला दिखाई दे रहा है। शायद खिड़की दिख रही है, शायद वो खिड़की है। खिड़की मिल गई। इस खिड़की से बाहर निकल सकते हैं हम। कहाँ हैं आप हर्ष जी? आज हम आपकी गुड़िया को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, आप नहीं है। प्रेम बंधन।
अरे किधर गई? अरे पकड़ पकड़ इसको, इधर भाग रही है, पकड़ इसको। हमें जाने दीजिए प्लीज, हमें जाने दीजिए। दोबारा भागने की कोशिश की ना तो याद रखना कहीं की ना छोड़ेंगे तुझे। सही से बांध इसको ताकि फिर से दोबारा भागे ना ये। चल आप हर्ष जी, आज हम आपकी गुड़िया को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, आप नहीं है। अगर हर्ष परेशान है, दुखी है, तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ जानकी और उसके घर वाले ही हैं। ये सही कह रहे हैं। इससे अच्छा मौका हमें और नहीं मिलेगा। इस वक्त सब सो रहे होंगे। एक बार श्वेता और हर्ष की शादी हो जाए ना, हम अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस उसे दे देंगे। आगे चल के कोई परेशानी नहीं हुई तो रिटायर होके आराम से जिंदगी जिएंगे। आराम से तो तब जियोगे ना जब हम आपको जीने देंगे।